मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर के द्वारा JOIT का रिटर्न टेस्ट का जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजिंदर और आप देख रहे हो RSB लेटेस्ट इन्फो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं इस रिजल्ट के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और यदि आपकी कोई अदर क्वेरीज भी होगी तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप चेकआउट कर सकते हो HPSSC बोर्ड के द्वारा जो है वो इस रिजल्ट को आज ही के दिन यानी कि एक जुलाई 2021 को जो है वो डिक्लेयर किया गया है, जो पोस्ट कोड है 1817। आप इसको डायरेक्टली जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब चलिए बात करते हैं कि एक्चुअल में नोटिफिकेशंस में क्या मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है 1 जुलाई 2021 को। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि आप जानते ही थे कि यहां पे जो है वो टोटल 1867 पोस्टें थी, और ये जो था वो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन था। फ्रेंड्स, चेकआउट कर सकते हो, और जो एग्जाम था इसका हुआ था 21 मार्च 2021 को। ठीक है फ्रेंड्स, और टोटल जितने भी कैंडिडेट थे इस पोस्ट के लिए जो जिन्होंने अप्लाई किया था वो थे 2,27,838 कैंडिडेट ने जो है वो इसके लिए आवेदन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और एग्जाम जो है वो 21 मार्च 2021 को हुआ था, और टोटल जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे तो फ्रेंड्स ये कैंडिडेट अपीयर हुए थे 1,07,878। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो है वो 1,02,114 कैंडिडेट जो है वो रिमेन अब्सेंट रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कि एक्चुअल में जो कैंडिडेट जिन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो फ्रेंड्स 19,024 कैंडिडेट को जो है वो फाइनल इंटरव्यू के लिए जो है वो सिलेक्ट किया गया है, जिनका रोल नंबर ये है। फ्रेंड्स, आप चेकआउट कर सकते हो, और मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। यदि आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से आप इजीली जो है वो चेकआउट कर सकते हो। और यदि आप इसकी कट ऑफ भी जानना चाहते हो कि कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ गई है, तो कितनी गई है, तो भी आप वीडियो में कमेंट करिएगा। हम अपनी वेबसाइट www.rsblatestinfo.com में जो है वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, 10,000 के करीब कैंडिडेट किए गए हैं, तो मैं आपको जो है वो शुभकामनाएं देता हूं। RSB लेटेस्ट इन्फो की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं, और फ्रेंड्स आप अच्छे से तैयारी करिएगा। ये जो है वो रोल नंबर्स हैं, तकरीबन 10,000 रोल नंबर्स हैं। आप ऐसे चेकआउट कर लीजिएगा, या आप PDF फाइल यदि डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिंपली आप क्लिक करिएगा और ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, और आप जो है वो हमारी वेबसाइट www.rsblatestinfo.com से भी, और हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, जिनका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं आप सबसे थोड़ी सी गुजारिश करता हूं कि प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ही शेयर करते हैं, इमीडिएट शेयर करते हैं, और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो नोट्स भी शेयर करते हैं हर एग्जाम से रिलेटेड। आपने देखा ही होगा, चेकआउट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये टोटल्स रोल नंबर्स हैं। वैसे तो आप अपना रोल नंबर यदि चेकआउट नहीं कर पाओगे तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपका रोल नंबर जो है वो चेकआउट करके आपको बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि PDF फाइल किसी स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है तो वो यहाँ से भी चेकआउट कर सकता है। ये उस फाइल ज्यादा है तो फ्रेंड्स मैं इसलिए इसको थोड़ा जल्दी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। पूरा का पूरा रिजल्ट है ये।
रेफरेंस में थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप जो है वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जो है वो रोल नंबर मिल जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये पीडीएफ फाइल्स नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं इसको पूरा का पूरा जो है वो स्कैन कर लेता हूँ, ताकि इन फ्यूचर कोई भी अगर अपना रोल नंबर चेकआउट करना चाहेगा तो यहाँ से कर सकता है, अगर पीडीएफ फाइल कभी मिले ना। तो फ्रेंड्स टोटल 1,90,024, ये जो पूरी लिस्ट थी वो थी 19,024 कैंडिडेट की, जो कि हमने आप सबके साथ शेयर करी है। और अभी मैं बताना चाहूँगा कि जो शॉर्टेस्ट कैंडिडेट हैं उनका जो एग्ज़ाम होना है वो 14 जुलाई से लेके 18 सितंबर 2021 के बीच सुबह 9:30 से होना है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन रहेगी 15 मार्क्स की, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी डिटेल जो है मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और फ्रेंड्स आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो डायरेक्टली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.rsplatestinfo.com के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दे दिया है, सिंपली उस लिंक पे क्लिकआउट करके भी आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं माफ़ी चाहूँगा, टोटल जो कैंडिडेट फाइनल राउंड के लिए किए गए हैं वो 19,024 किए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने अप्रोक्सीमेटली 10,000 कैंडिडेट बोला, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नॉलेज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।